व्हाट्सअप गाइज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। अब इन दो एग्जांपल्स को आप देखोगे तो दो एग्जांपल्स में थोड़ा डिफरेंस है। देखो पहले एग्जांपल में मैं फर्स्ट स्फीयर को, जो बाहर का स्फीयर है, उसको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अर्थ करने वाला हूँ। और सेकेंड में ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसको मैं अर्थ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जैसे ही मैं इसको अर्थ करता हूँ, ठीक है, अर्थ करने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है मुझे कि इन स्फीयर्स के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, इनर और आउटर सरफेस के ऊपर, इस एग्जांपल में। और इस एग्जांपल में भी वही करना है। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा सिमिलर है जो हम लोग ने पहले वाले एग्जांपल्स किए हुए। अब देखोगे जैसे मैं इसको अर्थ किया, इस स्फीयर को मैंने टच किया है क्या, नहीं किया है ना, तो इसके ऊपर का चार्ज बदलेगा क्या, नहीं, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई क्यू ही रहेगा, तो ये तो क्यू है। अब इसको मैंने क्यू लिख दिया, तो अंदर का जो स्फीयर होगा इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यू, आना ही है क्यू, गॉस लॉ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मेटल के अंदर, जीरो, गॉसियन सरफेस बना दो इस थिन मेटल के अंदर, तो बेसिकली चार्ज तो कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा ना, इनक्लोज क्यू माइनस क्यू, तो ये तो माइनस क्यू होगा। अब ये माइनस क्यू है, इसके ऊपर चार्ज थ्री क्यू है, तो यहाँ पर चार्ज कितना आना चाहिए, फोर क्यू, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे 4q होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि अभी इसको अर्थ किया हुआ है। अब इसको मैंने अर्थ किया हुआ है तो इसके ऊपर चार्ज होगा लेट्स से q1, जो मुझे पता नहीं है, राइट। जब मैं अर्थ करता हूं तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस स्फीयर का पोटेंशियल मैं जीरो करता हूं। तो भाई इस कंडक्टिंग स्फीयर का मैं पोटेंशियल जीरो कर दिया, तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा, निकालो इस q, ये माइनस q और q1 के वजह से कितना होगा, कि q डिवाइड बाय 2a, इस माइनस q के वजह से क्या आएगा, माइनस के q डिवाइड बाय रेडियस 2a, और इस q1 के वजह से कितना आएगा, के q1 डिवाइड बाय 2a, यही रेडियस ना, इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। अब ये तो कैंसिल हो गया, q1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, जीरो आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये q1 चार्ज कितना आया, जीरो। इसका मतलब पूरा 4q का 4q चार्ज अर्थ के अंदर घुस गया, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, q माइनस q, और यहाँ पे 4q आना चाहिए था, जो जब स्विच ओपन था तब 4q था। अब जैसे ही स्विच को क्लोज किया, q1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। मतलब ये पूरा का पूरा 4q कहाँ पे चला गया, स्विच के अंदर से ग्राउंड में। या हम लोग बोल सकते ग्राउंड से कितना चार्ज आ गया, माइनस 4q। तो ध्यान में रखना है, आउटर स्फीयर को कभी भी मैंने अर्थ किया तो जो आउटर स्फीयर के ऊपर, जो बाहर के सरफेस पे जो चार्ज होगा वो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म। अब ये रूल बना दो आप। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल अलग है। अब यहाँ पे देखो, किस स्फीयर को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, बाहर के स्फीयर को, तो बाहर के स्फीयर का चार्ज टोटल कितना रहेगा, थ्री क्यू ही रहेगा, उसको तो मैं टच नहीं कर रहा हूँ। मैं टच किसको कर रहा हूँ, अंदर के स्फीयर को। अब जैसे ही मैंने इस स्फीयर को बेसिकली क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, ये q चार्ज, मेरा अननोन चार्ज आ गया ना, कितना आ गया q1। अब मुझे पता नहीं कि इस q में से कितना चार्ज इस ग्राउंड के अंदर जाएगा, कितना ये ग्राउंड इसके ऊपर भेजेगा मुझे पता नहीं है, तो मैं अननोन ले लिया, इसको q1 ले लिया, तो इसके अंदर कितना आना चाहिए, माइनस q1 ही आएगा, आना ही चाहिए। बाहर के सरफेस पे कितना आएगा, 3q प्लस q1, बोला था ना मैंने, इस 3q को तो हम लोग टच नहीं कर रहे, तो 3q के ऊपर चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कितना अननोन है, q1 अननोन है ना, तो एक अननोन के लिए की इक्वेशन। मैंने क्या बोला था, जैसे ही मैं इसको ग्राउंड करता हूँ या अर्थ करता हूँ, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल मैं क्या करता हूँ, जीरो। अब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल जीरो कर दो। अब अंदर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल कितना होगा, इस q1 के वजह से होगा, कितना, के q1 बाय इसका रेडियस a, इस माइनस q1 के वजह से होगा, कितना, माइनस q1 बाय कितना, 2a, और इस 3q प्लस q1 के वजह से भी होगा, कितना होगा, 3q प्लस q1 के वजह से होगा, k 3q प्लस q1 डिवाइड बाय रेडियस कितना, 2a। अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा के क्यू वन बाय ए, अब ये चीज़ और ये चीज़ कट हो गई, तो बचेगा के थ्री क्यू बाय टू ए इक्वल टू जीरो होगा, तो मेरे क्यू वन की वैल्यू आई माइनस थ्री बाय टू क्यू। देखो ये आ गया ना। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे
क्यू1 की वैल्यू मेरी आई -3/2 q, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इनर स्फीयर पे कितना आएगा, 3/2 q, और यहाँ पे कितना आएगा, इस सरफेस पे कितना आएगा, 3/2 q। देखो यहाँ पे, तो बेसिकली ये हो गया मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे चार्ज इनिशियली था q, अब कितना हुआ, -3/2 q। इसका मतलब ग्राउंड से और कुछ चार्ज इधर आया हुआ है, राइट? कितना चार्ज आ गया इस स्विच से, इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, q, और -3/2 q इसका सब्ट्रैक्शन, तो कितना हुआ, q माइनस माइनस ऑफ 3/2 q, तो मेरा आंसर आएगा 5 q/2। देखो ना यहाँ पे ग्राउंड से यहाँ पे ऐसे 5 q/2, मतलब -5 q/2 चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ही तो -3/2 q बनेगा। मतलब देखो यहाँ पे, यहाँ पे टोटल चार्ज आया -3/2 q, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज था q, जो कि अभी मेरा कितना हुआ, -3/2 q। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल चार्ज था q, जो मेरा कितना हुआ, -3/2 q। मतलब आप देखोगे कि कितना चार्ज अर्थ के अंदर गया, q था, अब बचा माइनस, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ना, तो कितना बचा, q माइनस -3/2 q, तो कितना हुआ ये 5 q/2। तो बेसिकली 5 q/2 चार्ज अर्थ के अंदर घुस गया सीधा, ठीक है। तो 5 q/2 चार्ज अंदर अर्थ के अंदर घुस गया, और ध्यान में रखना ये q अभी जीरो नहीं हुआ, इधर तो जीरो हो गया था ना, 3 q का चार्ज कितना हुआ था, जीरो हुआ था, यहाँ पे जीरो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इनर स्फीयर को मैंने अर्थ किया हुआ है। तो ध्यान में रखो रूल क्या बनाया था अपन ने, जब आउटर स्फीयर को हम लोग अर्थ करेंगे तो आउटर स्फीयर के बाहर के सरफेस वाला चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन जब इनर स्फीयर को हम लोग अर्थ करते हैं चार्ज जीरो हो जरूरी नहीं है। समझ में आया, चलो अच्छी बात है। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स अर्थिंग के ऊपर आते रहते हैं, तो ध्यान में रखना है अर्थिंग में हम लोग को करना क्या है। अर्थिंग में जिस कंडक्टर को हम लोग अर्थ करते हैं या ग्राउंड करते हैं उसका ही चार्ज बदलेगा, बाकी कंडक्टर का चार्ज नहीं बदलेगा। मतलब बाकी का चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा, वैसे ही रहेगा। और जिस कंडक्टर को हम लोग अर्थ करते हैं उसका हम लोग को पोटेंशियल जीरो करना है। बस ये दो चीज़ें लगाओ, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली अभी, तो जनरली अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो अर्थिंग के ऊपर भी है और जो हम लोग ने शॉर्ट सर्किट पढ़ा हुआ है उसके ऊपर भी है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। ध्यान में रखो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर IIT एंट्रेंस में, ठीक है। तो आप सपोज मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जस्ट कंसेप्ट देख सकते हो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, लेकिन IIT एंट्रेंस वाले लोगों को ही वो क्वेश्चंस को प्रॉपरली एनालाइज करना है। आई होप आपको ये पार्ट जो यहाँ पे मैंने बताया वो समझ में आया होगा। चलो अच्छी बात है, तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो थोड़ा हायर लेवल का एग्जाम्पल है।